सर, जिले में आपके तमाम कार्रवाई के बावजूद भी आए दिन जो है अवैध शराब की दुकानें जो है संचालित हो रही हैं। कोई अवैध क्या कहना है? अवैध शराब की दुकानें नहीं, कुचिया शराब की दुकान सर जिसको कहते हैं, कुचिया शराब की दुकान जो है आए दिन जो है आपकी कार्रवाई जितना होती है उससे ज्यादा कहीं कुचिया दुकानें आए दिन जो है बढ़ती जा रही हैं जिले में। नहीं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं उपलब्ध बल के अनुसार, बल की भी कमी है जी। नहीं, कार्रवाई के बाद भी दिन पे दिन बढ़ रही है संख्या, घट नहीं रही है, तो इसको क्या मानेंगे? मतलब कार्रवाई संतोषजनक नहीं है या सामने वाला आपकी कार्रवाई से डर नहीं रहा है? नहीं, कार्रवाई संतोषजनक है। तो फिर आखिर दिन पे दिन दुकानें खुल क्यों रही हैं अलग अलग? दुकानें नहीं है, उसको क्या कहेंगे? दुकान कैसे उसको कहेंगे? क्या कहेंगे? अवैध कुचिया की दुकान जो है, कोई व्यक्ति अवैध कुचिया की दुकान सर जो खुल से मदिरा खरीद के ले गया और वो पीता है घर ले गया, अब उसको सेल्समैन क्या करेगा? तो सब फिर कार्रवाई क्यों होती है फिर जब वो पीने के लिए लेके गया? हाँ। तो फिर पुलिस उस पर कार्रवाई, आबकारी विभाग फिर कार्रवाई क्यों करती है कि अवैध शराब की बिक्री कर रहे हैं, अवैध शराब रखे हैं? वो बेचेगा तो बेच थोड़ी सकता है, जब वो बेचता है तभी कार्रवाई होती है। सर, अगर शराब ठेकेदार के आदमी पहुँचाते हैं तो क्या सर वैध होता है? नहीं पहुँचाते हैं सर। हम लोग के पास अगर करते हैं तो आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल जानकारी मिलेगी तो स्टाफ भेजेंगे, कार्रवाई होगी। और सर एक सवाल और, ये जो इस तरह से बाकायदा लिस्ट निकालने की एक आदेश आया था कि शराब की दुकानों के सामने लिस्ट चपकाई जाए जो ओवर रेट पे बेच रहे हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए, आपने एक बार स्वयं बात की थी, तो कितनी कार्रवाई हुई सर? क्या अभी भी लिस्ट क्यों नहीं टंग रही है? लिस्ट लगी हुई है और बाकायदा कार्रवाई हुई भी है, दो दुकानें बंद भी हुई थी बैठने में जिस तरह से। दो दुकानें हैं, अपन नियमित जाँच करते रहते हैं, टेस्ट परचेस कराते हैं, सर शराब की गलती पाई जाती है तो बंद भी होती है। शराब की दुकान के सामने ही चखने का दुकान रखा जाता है, वहीं पे बैठ के व्यक्ति पीते हैं। अब चखना दुकान नहीं है, तो क्या कहेंगे सर उसको, क्या कहेंगे फिर? चिकन उकन जिस तरह से ये सब सारी चीजें रख के वहीं पे शराब, चिकन दुकान में कैसे हटा सकता हूँ? तो शराब सर क्या को मैं कैसे हटा सकता? दुकान में शराब चना रखा है, सब्जी वाला बैठा है, उसको मैं कैसे हटा सकता? तो किसी के दुकान में सर शराब पिया जा सकता है? किसी की दुकान मतलब जो सामने दुकान रखे हैं अपना, जो भी चखने अपने का जो भी कार्य कर रहे हैं। मदिरा दुकान से ग्राहक ने मदिरा खरीद के ले गया जी और वो कहीं रोड में पी रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी है। दुकान में अगर बैठ के पी रहा है? दुकान में नहीं पी रहे हैं, पी रहे हैं तब के लिए सर मैं पूछूँ, जैसे अगर कोई पी रहा है तो उस पर कार्रवाई बनती है कि नहीं? दुकान में कैसे पिएंगे? अगर कोई मान लीजिए ठेले पे लगा के दारू पी रहा है तो उस पर कार्रवाई बनती है कि नहीं है बताइए? कार्रवाई बनती है, लेकिन दुकानदार की उसमें कहाँ गलती है? पीने वाले गलती है, रोड में नहीं पी सकता? रोड में नहीं, ठेला पे डाल के अगर दारू पी रहा है, ठेला वाले के यहाँ से अंडा चकना खरीद के और वहीं खड़ा होकर दारू पी रहा है तो उसकी किसकी गलती मानी जाएगी? पीने वाला तो खरीद के ले जाएगा और कहीं ना कहीं वो जो ठेला वाला जाकर घूरेगा जहाँ उसको चना वाना मिलेगा, तो आमतौर पर वहीं पीते हैं। हाँ, तो वहाँ अगर पी रहा है तो वो अपराध है कि नहीं है? अपराध है, तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? अपन कर रहे हैं, किस पे? उस पर कार्रवाई तो नहीं दिख रही है, ठेले वाले पे दोनों को हो जाती है। आप क्यों पीने के लिए क्यों दे रहे हो सर? कितने कार्रवाइयाँ हुई ऐसे, कितने कार्रवाइयाँ हुई अभी तक? कार्रवाई तो बहुत हमेशा होती है। फिर संचालित इस तरह से लगातार क्यों है सर? अभी क्षेत्र इसमें सजा ज़्यादा नहीं होता इसलिए अपराध नहीं रोकते। तो फिर इसको 1500 रुपये जुर्माना होते हैं माननीय न्यायालय, तो रोकथाम के लिए फिर कैसे करेंगे सर? कि कैसे इस पर अंकुश लग रही? अपन माननीय न्यायालय के पास रख सकते हैं, उसके ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जो अवैध शराब विक्रेता मान लीजिए कहीं मिलते हैं जिस पे आप लोग कार्रवाई करते हैं, उनके पास जो अवैध शराब आता है जिस दुकान से आता है, उन दुकानदारों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती जिनके कारण जो है क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री? कौन सी दुकान क्यों वो जो ले जाता है उससे आप लोग क्यों नहीं पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से इतने मात्रा में शराब ला रहा है, ये जानने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल करते हैं, अभी तक को कहां से प्रयास करोगे? एक बेस नंबर कई लाखों पे बोतल बनती है। अभी तक जिले में कितनी दुकानों पे कार्रवाई हुई जो स्टॉक में माल किसी दूसरे दुकान मतलब व्यक्ति को देकर के और अवैध तरीके से शराब बेचवा रहे हैं? जिले में कितनी दुकानों पे कार्रवाई हुई जिनके द्वारा जो है स्टॉक में माल देकर को क्षेत्र में जो है बिक्री करवाया जा रहा है? क्षेत्र में बिक्री कहीं नहीं करवाया जा रहा है दुकानदारों द्वारा, लोग जो है खरीद के अपने पीने के नाम से ले जाते हैं और वो अलग कर सकते हैं। तो एक किसी भी दुकानदार को कितना शराब देने का अधिकार है एक व्यक्ति को? एक व्यक्ति को 2 बोतल देसी में 2 बोतल अजब, वो एक पेटी लेके जाए तो बियर की पेटी तो ले जा नहीं, देसी शराब की पेटी अगर लेके जाए तो कौन दोषी है?
एटी कैसे देगा? नहीं देता है तभी तो पूछ रहे हैं, मतलब देता है तभी तो पूछ रहे हैं सर। देता है दो बोतल देसी ले जा सकता है, चार बोतल देसी ले जा सकता है। नहीं लेकिन पेटी जब लेके जाता है तो उसमें दोषी कौन है? नहीं ली जा रही है कहीं, मतलब ये आपका कहना है कि जिले में कहीं भी जो है लाइसेंसी दुकान के अलावा शराब की बिक्री नहीं की जा रही है? ग्राहक जिले में दो बोतल खरीद के लेके जा रहा है, वो कहाँ लेके जा रहा है, वो पीता है या हम ये जो सर जानना चाह रहे हैं कि जिले में लाइसेंसी दुकान के अलावा कहीं भी जिले में अवैध तरीके से शराब बिक्री नहीं की जा रही है? अवैध तरीके से शराब बिक रही है तो विधिवत कार्रवाई हो रही है, जहाँ सूचना आती है तब उनके पास अंग्रेजी और तो वो जो उनके जहाँ सूचना मिलती है पकड़े तो जाते हैं हमारे स्टाफ। नहीं तो उनके यहाँ जो स्टॉक माल जा रहा है सर वो कहाँ से जा रहा है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ सर। और जहाँ से जा रहा है उस दुकानदार में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इकट्ठा करते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता काउंटर लगाकर दो बोतल आप ले गए अभी आठ पाओ फिर वो आएगा तो फिर तो एक ही व्यक्ति को इतना दारू क्यों दे रहा है दुकानदार? दो बोतल तो ले जा सकता है ना, दो बोतल ले जाकर कई बार भी ले जा सकता है ना, एक ही आदमी को बार बार इतना शराब देने की क्या जरूरत है? नहीं एक ही व्यक्ति जब बार बार ले जा रहा है तो क्या दुकानदार को ये समझ में नहीं आ रहा कि ले जाकर व्यक्ति क्या करेगा? तो सर फिर उनके पास पेटी बरामद कैसे होती है जब अवैध शराब की बिक्री पकड़ी जाती है तो उनके पास फिर पेटियां कहां से मिल जाती हैं? दुकान के नहीं और कहीं से भी हो सकती है, मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं दुकान की? नहीं तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अदर राज्य से भी शराब आकर के सिंगरौली में बिक रही है? नहीं तो फिर पकड़ रहे हैं बकायदा, तो फिर उनके पास दूसरी अपन में नहीं तो अभी अपन ने हाल में 15 तारीख को गाड़ी सहित गाड़ी आदमी भी पकड़ी है। कहाँ? ये बैरन सर्किल में है, शासन शासन ही मुकर है, गाड़ी सहित पकड़ी है। अभी कहाँ से शराब आ रही थी? वो रास्ते में पकड़ी, नाका लगाए थे। तो शराब कहाँ से आ रही थी कुछ पता चला? अभी विवेचना में। अच्छा सर पिपरा झांपी में जो है मोहन जायसवाल मुंशी चमेली मोड़ में कटोली ऐसे कई तमाम जगहों पर शराब अवैध तरीके से बिक्री हो रही है सर, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई ऐसा अंकुश नहीं लगा कि उन पर कोई ठोस कार्रवाई हो जाए। कहाँ पर? पिपरा में झांपी है मनोज मोहन। अब भेजेंगे दिखवाते हैं स्टाफ। सर एक सवाल और था, आप फोन क्यों नहीं उठाते? फोन तो उठाते हैं। अभी हमने तीन बार नहीं मैं आप जब से आप जिले में आए हैं तब से कई काम है सर, जिले में जब से आप पदस्थ हैं तब से मैं 50 बार फोन किया होगा, एक बार भी फोन नहीं उठाया आपका, आपने एक बार भी फोन नहीं उठाया होगा। हम चार पांच पत्रकार यहाँ खड़े हैं, चार पांच पत्रकार खड़े हैं सर, आप जिले के एक सक्षम अधिकारी हैं, एक विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, और आप अगर फोन नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ये बताइए। हम चार पांच लोग हैं, किसी का भी फोन आप नहीं उठाते हैं लगातार क्षेत्र जानकारी को लेकर हम लोग आपसे कॉल करते हैं सर, यहाँ पे शराब चल रही है, हमारे यहाँ स्टाफ की वैसे भी कमी है, पूरे बाबू काम भी हम सर ठीक है, लेकिन आप सक्षम अधिकारी हैं, सात पद के आपको कोई भी फोन, कोई भी सर व्यक्ति फोन क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या को लेकर ही करेगा, ऐसे तो कोई बात करने के लिए करेगा नहीं, उसके बावजूद भी आप फोन नहीं उठाते हैं, तब वो अपनी पीड़ा अपनी समस्या अपना तकलीफ किसको बताएगा सर? हम कह रहे हैं कहीं अवैध शराब की बिक्री हो रही है और कोई आपको सूचना देना चाहता है और आप उसको लेना नहीं चाहते हैं, जब आप फोन उठाएंगे नहीं तो आपको सूचना कैसे मिलेगी? हमारे टाउन के प्रभारियों को भी नंबर ले लीजिए। नहीं सर टाउन के प्रभारियों का नंबर तो ले लें, लेकिन सर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि अपनी सीक्रेसी रखना चाहता हो आपको सूचना देके, टाउन प्रभारियों से सीक्रेसी उसकी नहीं रह पाएगी, हो सकता है उसके ऊपर जो अवैध कारोबारी है हमला कर दे, तो वो चाहता है कि आपको सीधे बताएं ताकि उसकी जो सीक्रेसी। टाउन प्रभारी बहुत सजग व्यक्ति है, उसने बहुत हम उस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, हम उस पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनको हमने स्पेशली बुलाया भी है। तो क्या सर अगर हमें बाइक भी लेना है तो क्या अथॉरिटी उनको है कि वो हम जो हम सवाल कर रहे हैं वो उनका उत्तर दे सकते? बिल्कुल। चलिए धन्यवाद, अभी हम बात करते जिला आबकारी अधिकारी सिंगरौली से और इन्होंने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत सारे सवालों के जवाब जो है अभी गर्भ में है, उसको देखा जाए कब मिलता है। धन्यवाद।